आज हम दोस्त टू डिग्री अमाइन का कॉमन नेम लिखेंगे। चैप्टर है आपका अमाइन। तो देखिए दोस्त यहाँ पे आज हम दोस्त कॉमन नेम लिखने जा रहे हैं टू डिग्री अमाइन का। तो टू डिग्री अमाइन का सिंबल होता है NH ग्रुप। देखिए दोस्त टू डिग्री अमाइन में दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक अल्काइल का नाम है मिथाइल और दूसरा अल्काइल का नाम है मिथाइल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल मिथाइल अमाइन। तो मिथाइल ग्रुप हमारा दो बार है तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा दोस्त डाई मिथाइल अमाइन। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। देखिए दोस्त ये हमारा इथाइल ग्रुप है और ये भी इथाइल है। तो इथाइल ग्रुप दो बार है तो ये डाई इथाइल और ये हमारा अमाइन है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा हमारा डाई इथाइल अमाइन। डाई इथाइल अमाइन। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त, देखिए दोस्त इस कंपाउंड का नाम है, इस अल्काइल ग्रुप का नाम है इथाइल ग्रुप। ये हमारा मिथाइल है तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल अमाइन। अल्काइल ग्रुप को दोस्त कॉमन नेम है अल्फाबेटिक ई के। तो इथाइल का ई और मिथाइल का ई, तो एबीसीडी में इथाइल का ई पहले आता है मिथाइल के एन की तुलना में। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दोस्त इथाइल, फिर लिखेंगे हम लोग मिथाइल और यहां पर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है तो यहां पर लिखेंगे अमाइन। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल मिथाइल अमाइन। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। देखिए दोस्त ये है हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप और ये है हमारा इथाइल ग्रुप। तो इथाइल का ई और आइसोप्रोपाइल का आई, तो एबीसीडी में आइसोप्रोपाइल का आई पहले आता है इथाइल के ई की तुलना में। तो सबसे पहले हम लोग आइसोप्रोपाइल ग्रुप, सॉरी सबसे पहले हम लोग इथाइल ग्रुप को लिखेंगे उसके बाद आइसोप्रोपाइल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा दोस्त इथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में टू डिग्री अमाइन का कॉमन नेम खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल बास की नजर हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कह सकते।